सैदपुर जसकौली में एक जमीनी विवाद उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिस पर उच्च न्यायालय ने प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा गुरुवार को पैमाइश कराकर आख्या मांगी। जमीन में गन्ने की फसल खड़ी थी, जिसको प्रशासन ने उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा था। आज बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन व विवादित जमीन में खड़ी गन्ने की फसल को कटवाकर कब्जा मुक्त कराया। आपको बताते चलें कि सैदपुर जसकौली गांव में नेपाल सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे अरविंद व सोनू के नाम संपत्ति आ गई थी। वर्ष 2016 में सोनू की मृत्यु हो गई। सोनू सीआरपीएफ में नौकरी करता था। सोनू की मृत्यु के बाद सोनू की जमीन सोनू की पत्नी स्वाति के नाम आ गई। बताया जाता है कि स्वाति ने अपने नाम की जमीन गांव के ही एक व्यक्ति रूप सिंह पुत्र राजवीर को बेच दी, लेकिन उस जमीन पर स्वर्गीय सोनू के भाई अरविंद का ही कब्जा रहा और अरविंद ही उस जमीन पर फसल उगाता रहा। आरोप है कि अरविंद ने जमीन क्रेता रूप सिंह को कब्जा नहीं दिया। रूप सिंह की कहीं सुनवाई नहीं हुई तो रूप सिंह ने उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए स्थानीय स्तर पर टीम बनाकर आख्या देने के निर्देश दिए। टीम में सिविल जज सीडी बबीता पाठक, डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार मिश्र, तहसीलदार मनोज कुमार, कानून को लेखपाल आदि थे। जमीन की पैमाइश हुई और गन्ने की खड़ी फसल को सुरक्षित रखा। आज बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन की संयुक्त टीम ने गन्ने की फसल को कटवाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस मौके पर सिविल जज संभल स्थित चंदौसी बबीता पाठक, तहसीलदार मनोज कुमार, कानून को जोगपाल सिंह, लेखपाल तथा थाना अध्यक्ष असमोली करण सिंह पाल, हयात नगर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सोलंकी, हजरत नगर गढ़ी थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रवीर सिंह मैफोर्स के मौजूद रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद संभल से शहजाद सैफी की रिपोर्ट।